बुरे वक्त को हैंडल करने के डायनामिक्स क्या है, ये मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो डायनामिक्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता, कभी अखबार ना पढ़ो, कभी अगले दिन का अखबार ना पढ़ो, क्योंकि वो जब तुम्हें आपको मार पड़ी है कोई अच्छी चीजें भी आपके लिए लिखेगा, बुरा भलाई कहेगा ना आपको, जिसने भी आपको टांगा हुआ है आपसे या आपकी कामयाबी से, और जितनी और कामयाबी जेलसी अट्रैक्ट करती है, एनवी अट्रैक्ट करती है, लोग तासुब होता है कि ये क्यों कामयाब है। तो जब आप नीचे गिरते हैं तो उन्होंने तो चाकू मारना है। कभी शादियों पे ना जाओ, जब हारे हुए ना शादी पे ना जाओ, क्योंकि पता नहीं क्या वजह है, रिश्तेदारों को खास मजा आता है जख्मों पे नमक छिड़कते हुए। इसलिए बेहतर यह है कि अगर बीवी बच्चे हैं तो उनको लेके साथ चले जाओ कहीं बाहर अकेले थोड़ी देर पहाड़ियों पे थोड़ा जरा वक्त गुजार के आओ। वैसे मैं ये भी बता दूं, बीवी भी बन जाती है जब हारे हुए। ये नहीं कि आपको एक पोजीशन, बल्कि आप तो ज्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए अगर आप जितनी बड़ा आपका होता है। तो सबसे पहले कानून की बालादस्ती, हम वो पाकिस्तान चाहते हैं, ये नहीं कि छोटा चोर जेल में और बड़ा डाकू वजीर बन जाए और गवर्नर बन जाए। कराची में गवर्नर कितने 18 कत्ल करके बैठा हुआ है, और मैं ओहो मैं तो भूल ही गया, एचवे रोड में बैठा हुआ 234 कत्ल करके। मुझे नहीं समझ आती, मुझे अल्ताफ हुसैन की समझ नहीं आती। अल्ताफ हुसैन की पार्टी पाकिस्तान में, पावर है मैं पाकिस्तान में, लेकिन अल्ताफ हुसैन लंदन में क्या कर रहे हैं? पार्टी आप, अच्छा चलो या तो मानेगा कि आपकी पार्टी पाकिस्तान, या तो चले आपकी आप पावर में ना हो, आप कहे कि मेरी जान खतरे में है, आपकी पार्टी पावर में बैठी है, आप लंदन में बैठे हैं, तकरीरें टेलीफोन पे कर रहे हैं, और सामने जो बैठे हैं, जो हालत है लोगों की, जो टेलीफोन सुन रहे हैं, बड़ी बर्दाश्त है उनकी वैसे, पता नहीं कैसे सुन रहे हैं। बाबर वारी को आपने देखा होगा, देखा होगा आपने बाबर वारी को, मुझे टीवी के ऊपर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मैंने उससे, मैं बता रहा था, मैंने कहा अल्ताफ हुसैन की, कहता है अल्ताफ हुसैन को, इमरान भाई आप कहां और अल्ताफ हुसैन कहां, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मैं तो आज तक कोई कत्ल नहीं किया, उसने 234 कत्ल किए हुए। फिर कहता उसने ब्लैकमेल कराने के लिए, अच्छा एक बड़ा पाकिस्तान में एक बड़ी ट्रेंड है, जैसे वो देखते हैं, क्योंकि अगला कहना कि जी आपने, मैं 5 साल असेंबली में बैठा, एक ऑपोजिशन से आता था गवर्नमेंट की तरफ के, थी आपने इतनी चोरी की, वो कभी ये नहीं कहते थे कि मैंने चोरी नहीं की, वो कह रहे आपने भी इतनी चोरी की, थोड़ी देर में सब चुप हो जाते थे। तो अब इन्हें समझ ना आए उसको टीवी पे कि मुझे क्या कहे, मैं क्या 234 कत्ल किया, वो मेरे ऊपर क्या कहे, तो मुझे कहता आपका तो वो सीटा वाइट का आपके ऊपर तो वो केस है वो, और तस्वीर दिखा दीजिए लड़की की शक्ल आपसे मिलती है। अब वो टीवी पे बैठा था, टीवी पे बैठा हुआ है, अब मैं इसको क्या जवाब देता, मैं क्या बाबर वारी मैं अफ्रीका में चला जाऊं 100 बच्चे तुम्हारी शक्ल के दिखा दूं। Don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon for the more update. Also give us your feedback in the comment section.